पिछली बार आपां गल कीती सी उन्हां कारणां करके जिन्हां कारणां करके पिंपल्स हो जांदे हन जां वध जांदे हन। इस बार आपां गल करांगे ओह तरीकियां बारे जिन्हां नूं फॉलो करके आपां पिंपल्स दी समस्या नूं घटा सकदे हां अते स्किन केयर इन पिंपल्स बारे। मैं डॉक्टर रविंदर मित्तल, मित्तल स्किन अते लेजर सेंटर नई बस्ती बठिंडा तों। स्किन केयर दा मेन मकसद स्किन अते बालां नूं साफ रखना, एक्सेसिव ड्राइनेस अते एक्सेसिव ऑयलीनेस नूं कंट्रोल करना है। साबण दी वरतों स्किन नूं ड्राई कर दिंदी है। बार बार मूँह धोण नाल स्किन दीआं स्वेशियस ग्लैंड्स इरीटेट हो के ज़्यादा सीबम सक्रीट कर दीआं हन, जिस नाल स्किन ऑयली हो जाती है। स्टीम अते स्क्रब दी वरतों ना करके सानू एक अजिहा फेस क्लींजर यूज करना चाहिदा है जिस नाल स्किन दी पीएच 5-7 दे विच मेनटेन हो सके। स्किन नू हाइड्रेट रखन लई ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर दी वरतों कीती जा सकती है। मेकअप नू रिमूव करन लई क्लींजिंग मिल्क दी वरतों कीती जा सकती है। एक्सफोलिएटिंग एजेंट स्किन दा नैचुरल टर्नओवर रेट बढ़ा के किल्लां दी समस्या तों निजात दवा सकते हैं। डेली शेविंग स्किन नू इरीटेट कर देंदी है। मकैनिकल रेजर दी जगह ते इलैक्ट्रिकल रेजर दी वरतों ज़्यादा फायदेमंद है। शेविंग फोम दी वरतों ना करके शेविंग जैल जां क्रीम दी वरतों करनी चाहीदी है। आफ्टर शेव लोशन दी जगह ते मॉइस्चराइजिंग लोशन दी वरतों कर सकते हैं। ज़्यादा सन एक्सपोजर पिंपल्स दी समस्या नू बढ़ा देंदा है, इसलिए धुप तो बचन लई ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑयल फ्री सनस्क्रीन दी वरतों कीती जा सकती है।